क्या आप स्टूडेंट वीज़ा पे फ़ौरन जाना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा पे ये फ़ौरन जाए कि नहीं जाए, और जाए तो कौन सी कंट्री में जाए और कैसे सक्सेस पाए। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कॉलेज की। वहाँ पे दो तरह की कॉलेज होती है, एक तो प्राइवेट कॉलेज और दूसरी यूनिवर्सिटी। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी फ़ीस बहुत ही कम होगी, वहाँ पे उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। और आप अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गए तो कहीं पे आपको 10-12 घंटा मजदूरी करने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन उस पैसे से आप जो जी पैसा कह रहे हैं उससे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भरेंगे। तो ये होगा कि अगर आपने वहाँ पे मजदूरी की के वहाँ पे आप पैसे कमाने गए हैं तो ये प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे पैसे बना लेंगे और उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। और आप ऐसा होगा कि अगर आप पैसे भरो वीज़ा लो, जब तक पैसे भरे तक वहाँ पर वो कंट्री में रह सकते हो। आप जैसे ही आपने फ़ीस नहीं भरा आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है यूनिवर्सिटी का। अगर आपने आपको पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट है और आपने यूनिवर्सिटी में से डिग्री ले लिया तो आपको फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होगी। इंडिया में उसी डिग्री की वैल्यू की फ़ीस बहुत ही कम होती है। अगर आपने फ़ीस भर के यूनिवर्सिटी में से आपको डिग्री ले भी ली तो आपका उसी देश में काम करना इतना ईजी नहीं है। आपको अपना वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, और वो वीज़ा उस देश में नहीं हो सकता है चेंज। आपको अपने होम कंट्री यानी कि इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी हो वहाँ पे वापस आपके आपको आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने इंडिया वापस आके अगर आप इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हो तो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इंडिया की कंपनी समझती है कि लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको ये इंडियन कंपनी का और इंडियन मार्केट और उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अगर आप सोच रहे हैं अगर आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से डिग्री लिया तो यहाँ पे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, तो ये एकदम गलत बात है, आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। और दूसरा मैं ये चीज़ बताऊँ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एक बार फॉरेन चला गया तो सब लोग यही सोचते हैं बूढ़े बढ़ाओ कि भाई ये फॉरेन चला गया तो वहाँ पे सेट हो गया, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि ये लोग स्टूडेंट वीज़ा पे गया है तो वापस आया तो फिर से वापस जाना इतना इजी नहीं है। समाज वाले आपके दिमाग का दही कर देंगे, यही पूछेंगे भाई आप कब वापस जाने हो। फॉरेन का एजुकेशन उनके लिए अच्छा है जिनके पास लाखों करोड़ों रुपये है, जैसे कि टाटा रिलायंस, और उनको ये फॉरेन में भी कंपनियाँ लगी हो तो उनके ये फॉरेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए वो अपने बच्चे फॉरेन में भेज सकते हो। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, अगर आप देखें कि इंडिया में 60 स्टूडेंट की क्लास में 4 से 5 डॉक्टर होंगे, यहाँ पे 2000 स्टूडेंट होंगे एक स्कूल में, उसमें से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक या डॉक्टर शायद ही बन पाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। इंडिया अभी बहुत ग्रो हो रहा है, तो अगर आपको एजुकेशन में रस है तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ, इंडिया में ही रहिए और इंडिया का ही एजुकेशन लिए ताकि आपको इंडिया में अच्छी जॉब मिल सकती है। सो स्टे इन इंडिया एंड मेक इंडिया प्राउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक टू वॉच सम मोर वीडियोज़ लाइक दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। बाय।